सुप्रीम कोर्ट से सजा सुनाए जाने के करीब एक हफ्ते बाद पहली बार मीडिया के सामने आते संजय दत्त। माफी की अपील नहीं, सजा काटने के लिए सरेंडर करूंगा। बॉलीवुड की एक ऐसी शख्सियत जो कठोर किरदारों की हर कसौटी पर खरी उतरती है, असल जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई ने उसे भीतर से हिला कर रख दिया। I'm a shattered man. My family is shattered. Very, very tough times in my life, in our lives. I want to thank everybody who supported us and supported me. And I just want to tell everybody from the media is that I've got a few days left. I want to finish. I have a lot of work. I have to finish all that work. I have to spend all this time with my family. So I, with folded hands, tell you all is that just let me be in peace till the time I go in. अदालत से मिली चार हफ्तों की मोहलत में से एक हफ्ता गुजर चुका है और बॉलीवुड के इस बाजीगर के हाथ में अभी 9 फिल्में हैं जिन पर करीब 300 करोड़ का दांव लगा है। एक तरफ कोर्ट का फरमान है तो दूसरी तरफ कारोबार के उसूल। पर सवाल है कि क्या संजय दत्त के इस ऐलान से कि वो सजा माफी के लिए अपील नहीं करेंगे उस बहस पर लगाम लग जाएगी जो इन दिनों अखबारों से लेकर न्यूज चैनलों की सुर्खियों में है। खास बात तो ये है कि 1993 के मुंबई ब्लास्ट मामले में 5 साल की सजा सुनाए जाने के फौरन बाद से ही संजू बाबा की माफी के लिए सुगबुगाहट शुरू हो गई। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने तो महाराष्ट्र के गवर्नर से अपील करते हुए बाकायदा एक तरह से मुहिम की शुरुआत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस काटजू के पास इसके लिए दलीलें भी हैं और मिसालें भी। मैं अपने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत माफी की अपील करता हूं, जिसके तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति कोर्ट की न्यूनतम सजा को भी कम कर सकता है। मिसाल के तौर पर कमांडर नानावटी को हत्या का दोषी करार दिया था जिसमें कम से कम उम्र कैद की सजा होती है। कमांडर नानावटी ने कत्ल किया था अपने वो पत्नी के लवर को, फिर भी गवर्नर साहब ने माफ कर दिया, तो ये तो लेसर ऑफेंस है, इसमें माफ कर सकते हैं।